दिन प्रतिदिन भाजपा एक नए निम्न को छू रही है। अब भाजपा ने अपने राज्य इकाइयों को निर्देश दिया है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बांटे जाने वाले मुफ्त अनाज वाली बोरियों और बैग्स पर पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल की तस्वीर लगाएं और राशन के बाहर लगने वाली दुकानों के बैनर्स में भी पीएम मोदी का फोटो लगाया जाए। भाजपा ने अपने राज्य इकाइयों को जो निर्देश दिया है इसमें कुछ नया नहीं है। पीएम मोदी जी लगातार अलग अलग मंचों से घोषणा करते रहते हैं कि हमने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाया है। जब सरकार का मुखिया ही असंवेदनशील हो जाए, सच्चाई से अपनी आंखें मूंद ले, तो इस तरह के आदेश जारी होते ही हैं। अब आते हैं तथ्यों और जमीनी हकीकत पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने तमाम चुनौतियों के बावजूद 10 सितंबर 2013 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अधिसूचित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए देश के आम लोगों को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। अधिनियम के तहत गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को कवर करने की बात की गई है। इसके तहत पात्र व्यक्तियों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए लोगों के टैक्स का पैसा ही इस्तेमाल होता है, यानी कि लोगों को जो अनाज मुहैया कराया जा रहा है वह लोगों के पैसे का ही है। भाजपा को पता नहीं कब यह बात समझ आएगी कि यह पार्टी फंड का पैसा नहीं बल्कि लोगों के खून पसीने और मेहनत की कमाई का पैसा है। और अगर खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार मिला है तो वो कांग्रेस सरकार की बदौलत है। अपनी छवि और प्रचार प्रसार के लिए भाजपा वाले पता नहीं और क्या क्या करेंगे।